इस एलिगेंट मेकअप लुक को क्रिएट करना बहुत ही इजी और इफर्टलेस आप इसे क्रिएट कर सकती है। अगर कोई टीनेजर्स हो या तो फिर यंगस्टर हो या न्यूली मैरिड, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने लिप को मॉइस्चराइज कर लूँगी। आप चाहो तो अगर लिपस्टिक का रियर कलर लाना चाहती है तो थोड़ा सा फाउंडेशन लिप पर लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए रोज टोनर यूज़ कर रही है। इससे आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड रहेगी, ड्राई आउट नहीं होगी। नेक्स्ट मैं यहाँ सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो फेशियल ऑयल है। ये लगाने से आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मेकअप जो है पैचे नहीं होती है। दूसरी चीज़, आपकी स्किन ड्राई आउट नहीं होगी और ये विंटर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, ट्राई जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ये है लैक्मी सीसी क्रीम, जो बहुत ही अच्छा है और इसमें थोड़ा अगर आपके स्किन पे पैचेस वगैरह है तो उसे हाइड कर देता है। और मेरा सेड है 20.01 है। और इस तरीके से डैब डैब करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। और मेरी तरह कोल्ड शोल्डर वाली टॉप पहन रहे हैं तो उसी भी जरूर अच्छे से फाउंडेशन या जो भी आप लगा रहे हैं, मैं यहाँ लैक्मे सीसी लगा रही हूँ, उस लगा के अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी। एलिगेंट मेकअप होना यही है इसमें राज की बात, जो अपने सारे स्किन टोन को जो भी है इवन करना। ऐसा नहीं वाली फेस को इवन कर दिया और नेक को छोड़ दिया अपने शोल्डर को, तो ये फेक लगता है, ठीक है। उसके बाद अपने मेकअप को सेट कर लूँगी और कुछ इस तरीके से करूँगी। और नेक को भी ज़रूर कीजिएगा, और जैसे मैं कर रही हूँ ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप एलिगेंट नहीं लोगे, बकवास लोगे, ठीक है। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ, जो कैबलिन का पेंसिल है ब्राउन कलर, और उसे स्पूली से कॉम कर दूंगी ताकि मुझे नेचुरल आईब्रो मिल जाए। और नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ अपनी आई शेडो को क्रिएट करने के लिए मिस रोज़ का पैलेट है, जो अपने गोल्डन शेड लेकर के अपने टॉप के अकॉर्डिंग मैं आई शेडो क्रिएट कर लूँगी। आपका जो भी टॉप या साड़ी है उस हिसाब से आप आई शेडो क्रिएट कर लीजिएगा, एक ही कलर कीजिएगा, बहुत ही इजी है ताकि जल्दी भी हो जाएगा। और उसके बाद आईलाइनर लगा रही हूँ, जो ब्लू हेवन की है। ये बहुत ही सस्ता है, शायद मुझे नहीं लगता इतनी सस्ती कोई भी आईलाइनर आती होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद नोज़ को कंटोर कर लूँगी। अगर आपके पास कंटोर नहीं है तो लिप लाइनर भी आप ब्राउन कलर का सेट लेके आप अपने नोज़ को कर सकती हैं। अगर आपके गाल मोटे लग रहे हैं तब उस पर भी कंटोरिंग करके आप स्लिम ट्रिम दिखा सकती हैं। नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का ये लिपस्टिक है, और मुझे एक्यूरेट इसका सेड नहीं याद है, और ये बहुत ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है, सच बता रही बहुत ही। और इसका कलर भी, पिगमेंटेशन भी बहुत मुझे सही लगा, और टीनेजर्स ये हल्का हल्का लगाएंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट लुक मिलेगा। और जो हमने ब्लेंड किया, जो बच गया, उससे हम लोग ब्लश लगा लेंगे, बस हो गया। मेरा टमाटर की तरह मेरा रेड रेड मेरा गाल हो चुका है। और उसके बाद में आई लैसेस की जगह पे मैं कुछ इस तरीके से मस्कारा डबल कोट लगाऊंगी ताकि मुझे आई लैसेस की ज़रूरत ना पड़े। और आई लैसेस लगाने के बाद थोड़ी सी निकलने की ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अब फेस के अकॉर्डिंग किसी किसी को सूट भी नहीं करता है, तो इसीलिए मस्कारा है जो हर किसी पे सूट कर जाएगा। और अपने गाल को हाईलाइट कर रही हूँ, लाइट तो जलेंगे बट उसके साथ मुझे भी हाईलाइट होना है ताकि सबकी नज़रें निगाहें मुझ पे रहे और अपने फ्रेंड्स में सबसे एलिगेंट लगे। ये हाईलाइटर ही तो है जो सारे मेकअप को, जो भी फ्रेंड वगैरह है उनमें मुझे अलग लुक देगा। नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए NYBA का मेकअप सेटिंग स्प्रे है, ताकि मेकअप मुझे बार बार करना ना पड़े, क्योंकि इस दिवाली में इतने सारे काम रहेंगे और टाइम भी नहीं मिलेंगे बार बार मेकअप का टचअप देना। तो बस हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। और थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग, अगर कोई टीनेजर्स या तो फिर यंगस्टर क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा बाल को हल्का सा कॉम कर लेंगे और खुला ही रखेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग, थोड़ा सा एलिगेंट लुक देने के लिए आप कोई भी क्लिप्स या थोड़ा सा अपने बालों को डेकोरेट कर लेंगे ताकि एलिगेंट और पार्टी वाला लुक मिल जाए, दिवाली वाली वाइब्स आए। और ये है मेरा फाइनल लुक। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई मैरिड हो न्यूली तो इस तरीके का क्रॉप टॉप पहन लीजिएगा। अभी ये कुंडली भाग्य में सलीन जो है बहुत इसी तरीके से स्टाइलिंग कर रही है साड़ी के साथ, मुझे बहुत ही उनका परफेक्ट लुक लग रहा है और बहुत ही गॉर्जियस और एलिगेंट लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी कोल्ड शोल्डर वाली टॉप पहन के उस पर साड़ी वेयर करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट लुक निकल के आता है। उसके बाद जूड़ा बना लीजिएगा, जूड़ा मुझे बहुत ही परफेक्ट लगता है पर्सनली।
और थोड़ा सा फ्लिक्स निकाल लीजिएगा अपनी फ्रंट से, ताकि हेयर स्टाइलिंग में थोड़ा और भी अच्छा लुक मिल जाए। और कुछ क्लिप्स को लेकर के इस तरीके से बालों को डेकोरेट कर लेंगे। नेक्स्ट रेड लिपस्टिक लगाऊंगी और ये NY बेक का है, जो एटलीस्ट 6 आवर्स तक जरूर आपके लिप्स पे टिका रहेगा। और न्यूली मैरिड है तो लिपस्टिक लगाना बनता है, लेकिन उसके बाद ये छोटी सी मैं बिंदी लगा लूंगी। आप चाहो तो डायमंड वाला भी लगा सकती हैं, और सिंदूर को जरूर अप्लाई कीजिएगा। और मंगलसूत्र इस दिवाली इतना तो बनता है पति के लिए, है कि नहीं। उसके बाद बड़ी सी इयररिंग मैं डाल लूंगी, बस हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। और आपको दिख रहा होगा मैंने ये साड़ी का बॉर्डर कैसे लाया फ्रंट में, तो आप सबसे पहले साड़ी का जो दोनों कोर है उसे पकड़ के वहाँ पर सेफ्टी पिन लगा ले, ठीक है। उसके बाद फ्रंट अच्छे तरीके से आप इस तरीके से अपनी कंधे पर डाल के उसे अच्छे से सेट कर ले, सेफ्टी पिन लगा के हो गया। और ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लुक लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जरूर ट्राई कीजिएगा इस साड़ी को, इस तरीके से पहनिएगा। और अगर इस तरीके से आप लोग साड़ी पहन रहे हैं या तो फिर मेकअप क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है समीक्षा प्रज्ञा। हैप्पी दिवाली आपको और आपकी होल फैमिली को, तहे दिल से हैप्पी दिवाली। और सारे प्रोडक्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी।